अरे गुप्ता जी, हमें लगा घर में आज शादी है तो कुछ नाच गाना हो रहा होगा, कुछ हंसी टिटोली हो रही होगी, पर यहाँ तो सब शांत पड़ा है भाई। गुप्ता जी, अब क्या बताएं भैया, जिंदगी ऐसे ही रिश्तेदारों खुश करने में निकल गई, पर खुश कर ना पाए। शाम को बारात जाने को है, कोई कह देगा आज इस घर में शादी है, इधर हमारे लड़के की शादी है, उधर हमारे बहनों ही नाराज होके बैठ गए हैं, गुस्से में मंडप उखाड़े ले रहे हैं, क्या करें, बड़े परेशान हैं। अरे सर्वेश, क्या दिक्कत है भाई? उधर वो हलवाई अपने मन से पूरी निकाले दे रहे, हमने कहा कम कम निकालो, मेहमानों गरम गरम खाने को मिलेगी, तो कह रहा 1 बजे बाद दूसरी बुकिंग है, मिश्रा जी की 13वीं जाना है, ऑर्डर ले लिया है, मिश्रा जी भी अभी जाने को रहे। अरे शादी ब्याह में तो ये दिक्कतें लगी ही रहती। उधर हमारे फूफा जी मुंह फुला के बैठ गए, कह रहे हैं अब हमारी रिश्तेदारी पुरानी हो गई है, इसलिए हमको कम वैल्यू मिलती है, पहले हमारे पिताजी उनको लिए लिए फिरते थे। अरे फूफा जी, अभी कह रहे हैं हम अपनी ससुराल वालों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, अब बताओ क्या करें, हम अपनी बीवी से दुश्मनी मोल ले लें हैं? अरे उसके मायके वालों को जरा सी वैल्यू कम मिले तो हमारी खुद की वैल्यू इस घर में शेयर मार्केट की तरह गिर जाती है। हमारे फूफा जी इस बात को समझते ही नहीं है, हमारी चली कहाँ रही है इस घर में, सब अपनी अपनी मर्जी चलते हैं। वो उधर हमारा लौंडा, वो देखो लेट आए घुग्गू समूह लिए, 1 लाख की शेरवानी लेके आया है, पैसे कभी 4 कमाए नहीं और 1 लाख की शेरवानी पहनेगा। अरे हमारी पतलून ढीली हो गई इनके चक्कर में, 30,000 में घोड़ी वाला मिल रहा था पर 80,000 की बग्गी किया है, बोला बग्गी सब देखते हैं, खुद की शक्ल उल्लू जैसी है तो सब बग्गी देखेंगे, लड़की वालों थोड़ा बहुत रुपया मिल जाता वो भी नहीं मिला, लव मैरिज कर लिया। अंडरवियर की शर्ट पहना है तुम? जे तुम्हारी चाची ने हमारे अंडरवियर की शर्ट बना दी, कहा है कि हमारा अंडरवियर फट गया था तो शर्ट बना दी, पीछे शर्ट फटी है, हमने पहनने से मना किया तो हमको मारने की दौड़ पड़ी। फिर क्या पहना है? हमारे लड़के को अभी कभी नए कपड़े नहीं मिले तो हम अंडा फाड़ लेंगे, बताई दे रहे हैं, बताओ हमारे लड़के को एक जोड़ी कपड़े नहीं दे मिले, इतनी गरीबी आ गई इस घर में। वहां राजू की मम्मी अभी तक सदमे में है कि बताओ इकलौते भांजे को कपड़े तक नहीं दिलवाए। अरे दिलवाए देंगे, गलती हो गई हमसे, जाए तो रहे लेने। नहीं अब हमारा मूड हो गया बहुत खराब, अब कपड़ों से हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी, अब हमारे लड़के को चाहिए सोनिक चैन। अरे हमारा यहाँ वैसे ही भट्टा बैठा पड़ा है, सोनिक चैन कहाँ से लाए? नहीं हमारे लड़के को सोनिक चैन चाहिए बस, और हम कुछ नहीं जानते, नहीं तो हम ऐसे मुंह फुलाए रहेंगे पूरी शादी भर, बताए दे रहे हैं। सोनिक चैन तो नहीं दे पाएंगे, इतनी हमारी औकात नहीं है। तो देख लियो फिर, हम पूरी शादी भर तुम्हारी फजीयत कराएंगे, ऐसे मुंह फुलाए घूमेंगे पूरी शादी में, तुम्हारे सब रिश्तेदार देखेंगे पूछेंगे इनको क्या हुआ, फिर जवाब देते फिर ना सबको। बताओ हमारे लड़के को कपड़े तक नहीं दिलवा पाए, वैसे शादी में इतना भरभर खर्चा हो रहा है, और हमें जो कपड़े दिए वो भी रद्दी एकदम 3rd quality, कहीं से मिले मिलाए दे दिए होंगे, नहीं तो लग नहीं रहे। हमार फोटो में छाड़ा हुआ मुंह बनाएंगे, फिर देखते रहना जिंदगी भर, और जहां तुम फोटो खिंचा रहे होगे ना वहां अपना सड़वा मुंह घुसा देंगे, हर फोटो खराब कर देंगे तुम्हारा। हमें पूछे कौन रहा है इस घर में जो हम कुछ बोले, हमारी अब
बकत रही ही कहा। अरे फूफा जी, तुम अपना अलग दिमाग खराब किए रहते हो, कौन नहीं पूछ रहा तुमको, अब क्या तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहे और काम नहीं करें, शादी में इतने काम होते हैं। एक घंटे से आके बैठे हुए हैं, किसी ने चाय तक को नहीं पूछा। तुम्हारा अगर साला आ जाता तो भर भर के चाय नाश्ता रख दिया होता। अरे कौन पूछ रहा साले को, मेरे भैया बुराई कर रहे हैं। कौन कर रहा बुराई, सक्सेना जी से पूछ लो। अरे नहीं भाभी जी, तारीफ कर रहे थे। तुम अपने मसूड़े अंदर रखा करो, जब देखा है चाय पीने चले आते हैं बस। मैं क्या जानती नहीं हूँ कैसे मेरे भैया के नाम से इनके हाथें सुखड़ जाती हैं। मेरे भैया अगर बुराई की ना तो बताऊंगी तुमको, आग लगा दूंगी इस घर में, तो तुमको भी समझे, समझ लेना अच्छे से। यहाँ रिश्तेदार मेरे भैया पीछे पड़ा रहता है, सोने की चैन मांग रहे हैं। कौन मांग रहा चैन? सर्विस मांग रहे हैं अपने लड़के के लिए। ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ और लौट के आने तक अगर निकास की तैयारी नहीं हुई ना तो बताऊंगी तुम्हें। चार दिन से काम करके कर मरे जा रहे, अब ब्यूटी पार्लर भी निकाल है। भाभी जी गुस्से में कितनी प्यारी लगती हैं, लाल हो जाती हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी, हमारे तो किसी कोई चिंता है नहीं, हमें तो संबंध घंटा समझते हैं, जिसका मन करता है बजा चला जाता है। तुम बीबे के गुलाम पैदा हुए इस घर में, तुम्हारे पिताजी हमारी इतनी इज्जत किया करते थे बेचारे, कुछ पूछो ही मत, अब हमारी बकती कहाँ रही। तुमको कौन नहीं पूछ रहा, कैसे पूछा जाए तुमको। पूरी शादी निकल गई, हमसे किसी ने कुछ पूछा, जेवर कहाँ से लिए जाए, कपड़े कहाँ से लिए जाए, किस किस को दिए जाए, कुछ पूछा हमसे। क्या तय किया, चैन दे रहे हो कि नहीं? अरे चैन कहाँ से लाए, अपने आप को गिरवी रख दे क्या, चलो सुनार के पास ले चलो, हमें रख दो गिरवी, ले लो चैन। अरे तुम्हारे पास दिल ही नहीं है देने का, दिल छोड़ो तुम्हारा मन ही नहीं है, इसलिए इतनी बहानीबाजी कर रहे हो, ड्रामेबाजी कर रहे हो कि गिरवी रख दो, ये कर दो वो कर दो। तुमने मेरे लड़के के लिए कपड़े क्यों नहीं दिलवाए, बोलो मुझे जवाब चाहिए स्पष्ट, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। अरे दिलवाने वाले थे, कौन कह रहा नहीं देते, देते कब देते, शादी हो जाती तब देते। और इधर सुनो, तुमने अपने साले के लड़के के लिए सूट दिया है क्यों? ये बात तुमको किसने बताई? अरे हमें क्या पता नहीं, ऐसी बातें छुपते थोड़े ही हैं, हमें तो ऐसी बातें पता है जो बोल भी नहीं सकते, और ना ही बोले तो ही अच्छा है, खाली अपने मुंह अपनी बेइज्जती करवाएं। हमारी तो अब कोई बकत ही नहीं रही इस घर में। अरे तुमको अपनी बकत की पड़ी है, इतनी देर सुनना है बकत बकत बकत, यहां हमारे लड़के को कपड़े तक नहीं दिलवाए, सोने की चैन मांग रहे वो भी नहीं दे रहे, तुमको अपनी बकत की पड़ी है। तुमको तो तुम्हारे साले ने खूब वैल्यू दी, पर हमारे साले तो हमारे लड़के के लिए कपड़े तक नहीं दे पा रहे, हमारे दिमाग है बहुत खराब, बता रहे हैं। क्या सोचे, आखिरी बार पूछ रहे हैं, चैन दे रहे हो कि नहीं? अरे चैन तो नहीं है हमारे पास। चैन नहीं दोगे तुम? तो हम मंडप फाड़ ले रहे हैं। हाँ फाड़ लो मंडप, फाड़ लो, कर लो अपने मन की, ना होने दो हमारे लड़के की शादी, ऐसा कर रहा हमारे मंडप उखाड़ ले रहे हैं।